और ये देखिए दोस्तों, फाइनली जो है हम लोग लिट्टी देखिए बन चुका है, लगभग तैयार हो चुका है। और देखिए कितना मस्त लिट्टी है जो है हम लोग का बन रहा है। ये यूपी बिहार का बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा आज हम लोग बना रहे हैं ये। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और बता दें कि आज हम लोग बिहार का बहुत ही फेमस लिट्टी और चोखा यानी बाटी चोखा बनाएंगे। और बाटी चोखा बता दें कि सत्तू का बनता है, तो आज हम बाज़ार से सत्तू वत्तू सब कुछ लाए हैं, बैंगन वैगन धनिया टमाटर सब कुछ लाए हैं। देखिए सत्तू है, ये पूरा सामान ला दिए हैं। और ये देखिए बैंगन है, इसका चोखा बनाएंगे हम लोग। बता दें कि पूरा मटेरियल सब कुछ ला दिए हैं, ये सब धनिया टमाटर लहसुन सब कुछ रेडी कर दिए हैं। बस अब हम लोग आज बाटी और चोखा बनाने के तैयारी में है आज, क्योंकि ठंडी का मौसम भी लगभग चालू हो चुका है। और देखिए अब हम अभी आटा सानेंगे पहले। ये देखिए आटा ले लिए हैं अभी, और ये देखिए फाइनली जो है हम लोग आटा ले चुके हैं। और आटा का अभी बस सानेंगे, अभी देखिए आटा है वो, देखिए टिपरी में पानी है अभी, तो बस अब हम सानने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज बस हम लोग लिट्टी लगाएंगे, दिखाएंगे आपको उसको भी कैसे हम लोग गांव में लिट्टी लगाते हैं आग पर। देखिए अभी हम आटा सान रहे हैं, अभी पूरा अभी पानी डाल के अभी इसका हम लोग अच्छा से पल मिलाएंगे। और आटा आटा सानने के बाद बस लगभग प्रक्रिया पूरा हो चुका है आटा सानने का। बाद में इसके बाद हम सत्तू बनाएंगे अभी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, देखिए दोस्तों लाइक भी फाइनली जो कीजिएगा। हम आटा को सान दिए हैं, पूरा आटा देखिए सन चुका है 100%। और ये देखिए, और आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और उसके बाद उसमें जवाइन मंगरेल सब डालेंगे अभी, यानी सत्तू का मसाला भी बस तैयार ही होने वाला है अब हम लोग का। ये देखिए, और ये देखिए अभी लहसुन हम लोग काट रहे हैं चोखा वो सत्तू बनाने के लिए। ये देखिए जवाइन मंगरेल जो है डाल दिया गया है अभी, और धनिया डालेंगे, हरा मिर्च भी डालेंगे अभी। देखिए अभी काटा जा रहा है लहसुन अभी, बस देखिए अभी हम लोग मिर्च काट रहे हैं अभी। और आज हम लोग का मतलब यूपी बिहार का प्रसिद्ध आज लिट्टी चोखा हम लोग बना रहे हैं। देखिए बहुत लिट्टी चोखा बनाने में बहुत उसमें मेहनत लगता है, लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है लिट्टी चोखा बनाना है। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली जो है हम लोग का सत्तू बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए अभी कैसे हम लोग बना रहे हैं, अभी देखिए ये लिट्टी बना रहे हैं हम लोग कैसे। और देखिए सत्तू बन गया है, ये देखिए चोखा का मसाला है, धनिया है, लहसुन है, मिर्चा है, और देखिए ये आटा है, आटा सान दिए हैं। और देखिए कैसे हम लिट्टी के लिए बना रहे हैं, देखिए ये देखिए कितना मस्त बना है ये लिट्टी के लिए हम लोग। मस्त मस्त छोटा छोटा लिट्टी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आज हम लोग अलग से लिट्टी चोखा का आज प्रोग्राम है हम लोग ठंडा का मौसम में। अभी देख सकते हैं कि लिट्टी उट्टी बनाया जा रहा है, कैसे कैसे गोल गोल करके बनाया जा रहा है। और देखिए अभी हम लोग आग भी जला चुके हैं, देखिए ये कंडी है यानी गोईठा है, अभी हम लोग आग जला दिए हैं। और देखिए आग भी जो है जल चुका है लगभग पूरी तरह से, अब बस थोड़ा सा और बाकी है जलने में। तो जैसे ही आग जल जाएगा हम लोग पूरा वो जो लिट्टी बनाए थे सब बाहर लाएंगे और आग पर रख कर बारी बारी से उसको पकाएंगे। देखिए जो ये हम लोग का लिट्टी है कितना मस्त बन चुका है, देख सकते हैं आप कितना मस्त लिट्टी बना है आज हम लोग बाटी चोखा बना रहे हैं। तो देखिए अभी एक एक करके बन रहा है कैसे, और देखिए कैसे बनाया जा रहा है, उसमें सत्तू कैसे भरा जा रहा है सब, क्योंकि ये हम लोग का यूपी और बिहार का बहुत ही फेमस बाटी चोखा है ये, जिसको हम लोग गाँव में लिट्टी चोखा बोलते हैं दोस्तों। ये सत्तू है, चने का सत्तू, जिसको हम लोग सत्तू ही बोलते हैं। अभी इसका हम लोग सत्तू ही बनाए हैं भबरी, और देखिए अभी कैसे हम लोग लिट्टी बना रहे हैं इसका, एक एक करके बना रहे हैं अभी। और जैसे ही पूरा बन जाएगा फिर हम लोग बाहर लेकर के इसको जाएंगे और आग पर पकाएंगे अभी, क्योंकि बाहर में जो है आग भी हमारा जल चुका है अभी। और जैसे ही आग पूरा जल जाएगा फिर हम लोग लिट्टी पर पकाना चालू कर देंगे अभी। देखिए पूरा जो लिट्टी है थाली में ले चुके हैं अभी हम, और अब हम लोग इसको लेकर के बाहर जाएंगे अभी, यहाँ आग जलाए हैं अभी।
तो चलिए बाहर चलते हैं हम लोग और दिखाते हैं आपको कैसे हम लोग लिट्टी बनाते हैं। ये देखिए आग पूरी तरह से जल चुका है और आग को थोड़ा हम लोग लंबा चौड़ा मतलब गोल में थोड़ा फैला दिए हैं। और देखिए बारी बारी से करके एक एक करके भी एक एक लिट्टी हम लोग आग पर रख रहे हैं अभी ताकि अच्छा से पक जाए। और पूरा जो लिट्टी है अभी आग पर ही धर रहे हैं हम लोग रख रहे हैं। और आज का हम लोग का ठंडा का मौसम था तो सोचिए आज हम लोग प्रोग्राम करते हैं लिट्टी चोखा यानी बाटी चोखा का। तो देखिए ये बारी बारी से लिट्टी हम लोग पका रहे हैं, कितना मस्त लिट्टी हम लोग का बन रहा है आज। दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम लोग का आज का बाटी चोखा कैसा रहा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा है हम लोग का यूपी बिहार का इधर का गाँव का। तो आज हम लोग बाटी चोखा ही बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं कैसे बनाया जा रहा है। और देखिए इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी लगता है, बहुत ज़्यादा आग जो है लगता है क्योंकि आग के बगल में ही बैठ के बनाते हैं। और देखिए फाइनली जो है हम लोग का लिट्टी बन चुका है और थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको अभी पूरी तरह से ढक देंगे आग से। देखिए पूरा लिट्टी एक जगह वो टोट दिए हैं रख करके और देखिए पलटा से ऐसे उठा से पूरा जो है आग इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा देर हम लोग छोड़ देंगे अभी इसमें ताकि लिट्टी अच्छा से इसमें और पक जाए और फिर इसको झाड़ देंगे निकाल करके। तो अभी देखिए आग को हम रख रहे हैं अभी ताकि लिट्टी अच्छा से पक जाए, जो कांच कांच होगा वो भी पक जाएगा इसमें क्योंकि आग भी बहुत तेज़ है अभी, आँच बहुत तेज़ है अभी। और बारी बारी से देखिए हम लोग आग को भी हटा रहे हैं साइड से ताकि जहाँ कम आँच है वहाँ थोड़ा और आग रख दिया जाए ताकि वहाँ का लिट्टी जो है अच्छा से पक जाए। देखिए ये मेरी मम्मी भी है, वो भी साथ में हमारे लिट्टी बना रही है हमारे साथ। देखिए अभी हम लोग कैसे आग को रख रहे हैं, देखिए पूरा लिट्टी जो है अच्छा से हम लोग ढक दिए हैं। और देखिए फाइनली जो हम लोग लिट्टी बन चुका है और एक एक करके निकालेंगे आग में से और उसके बाद इसको हम लोग गमछी या तौली जो भी हो उसमें झाड़ देंगे और अच्छा साफ़ कर देंगे तो एकदम पूरा साफ नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ये पूरी तरह साफ़ हो जाएगा एकदम। और देखिए आलू आलू पकाए थे कुकर में उसी दिए थे तो अभी थोड़ा इसको आग में हम लोग ढक देंगे। और देखिए कितना मस्त लिट्टी हम लोग बन चुका है, देखिए ये तेल अभी लगा रहे हैं हम लोग, ये देखिए मम्मी हमारी हैं। और देखिए अभी कैसे इसमें तेल लगाया जा रहा है, कितना मस्त मुलायम लिट्टी बना है। और देखिए ये चोखा है, बैंगन है, टमाटर है, धनिया है, लहसुन है और अभी आलू आग में डाले थे, थोड़ा सा अच्छा लगता है उससे, अच्छा स्वाद आता है अभी। तो जो भी हम लोग इसी का भी चोखा बना रहे हैं, जैसे ही आलू आता है उसको भी इसमें हम लोग मिक्स देंगे अभी। देखिए ये फाइनल जो है आलू भी आ चुका आग से निकाल करके और अभी हम लोग इसको भी मिसेंगे। और देखिए दोस्तों फाइनली जो है हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, देखिए ये लिट्टी है कितना मस्त बना है, मुलायम कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। ये चोखा है, ये प्याज का सलाद हम लोग काटे हैं। तो दोस्तों ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का हमारा लिट्टी चोखा का प्रोग्राम जो है कैसा रहा हम लोग का खाना। और फाइनली जो है हम लोग बैठ चुके हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग का लिट्टी चोखा कैसा रहा है। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और बता दें कि ये हमारा ठंडा में आज का पहला दिन था जो कि आज हम लोग लिट्टी चोखा लगाए। तो दोस्तों देखिए हम खाने के लिए बैठ चुके हैं और बहुत ही मस्त लिट्टी चोखा बना है, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। तो दोस्तों ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और फिर आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।